आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद रीवा जिले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग दिखाई दे रहा है। आज कलेक्ट्रेट में मोहन सभागार में इन्हीं मुद्दों पर बैठक ली गई। भोपाल अग्निकांड की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रीवा शहर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉल में सुरक्षा व्यवस्था की जाँच करने के लिए नगर निगम अमले को निर्देशित किया गया है। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, जॉन टावर, एसपीएस मॉल सहित उन स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं जहां पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण शाम को जाम की स्थिति निर्मित होती है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद शहर में बने बिना पार्किंग के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई हो सकती है। नगर निगम प्रशासन को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अगली बैठक में सभी जानकारी लेकर उपस्थित हों। वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर डीएसपी मनोज वर्मा से भी चर्चा की गई। इस दौरान महूगंज विधायक प्रदीप पटेल द्वारा बताई गई अपने क्षेत्र की समस्या के निराकरण के लिए भी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है। सड़क सुरक्षा समिति के ना मीटिंग आज हुई है, इसके पहले भी हुई है, काफ़ी सारा मिनट से ना लगातार हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीन चार है ना इम्पॉर्टेंट है ना डिसीजंस हुई है। सभी को पता है कि अभी भारत शासन ने भी अनाउंस किया है कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होता है उनको है ना मदद करने वाला व्यक्ति को शासन ने ना 5,000 रुपये का है ना पुरस्कार देने का योजना बनाई है। ठीक है, इसलिए मतलब मैं सभी नागरिकों को अपील करता हूँ कि मतलब आप लोगों की कोई भी समस्या नहीं होगी, जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तत्काल आप आगे आइए, मतलब लोगों के ना मदद करें। इसके अलावा सिटी के अंदर पार्किंग की ना समस्या है, पहले से ना तीन चार है ना स्पॉट्स आइडेंटिफाइड है, उस जगह पे पहले भी नगर निगम के द्वारा है ना नोटिस वगैरह इशू किया गया है, बट उसमें कोई कंपाउंडिंग की समस्या आई है। बट हम लोग है ना अभी और अंदर जाके देख रहे हैं उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ये ना कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इंस्टीट्यूशंस है ना वैध हैं, वैध नहीं है तो इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, सो दैट एटली उस बिल्डिंग का कमर्शियल बिल्डिंग का दबाव है ना कम हो सके। इसके लेकर डीएसपी ट्रैफिक और नगर निगम के अधिकारी हैं, उनका एक जॉइंट रिपोर्ट है नेक्स्ट है ना 5-6 डेज के अंदर है ना तीन चार प्लेसेस हैं उसको लेकर देने के लिए कहा है। उसके बाद हम लोग है ना एक पिन पॉइंटेड है ना एक्शन प्लान बनाकर इसमें ना काम करेंगे। इसके अलावा हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं सुहागी का है ना, दो ब्लैक स्पॉट्स है एक्चुअली लीगली आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट है, कहाँ है ना डेथ है ना ज़्यादा होती है, एक सुहागी है ना में है, उसमें जुलाई से ही है ना कोई भी डेथ नहीं हुई है, बिकॉज लगातार MPRDC ने इसमें काम किया है, काफ़ी साइन बोर्ड्स, काफ़ी रिफ्लेक्टर्स, उसकी पूरा डिवाइडर्स, स्टॉप बैरियर्स बनाना और थोड़ा ब्रेकर्स का ना स्लाई लेवल पे करना, वो सारे काम हुआ है। बट वापस हर 30 मीटर पे साइन बोर्ड लगाने के लिए ना डायरेक्शन दिए हैं। तिवनी मोड है सेकंड ब्लैक स्पॉट है, वो अभी भी है ना काफ़ी इशू है, उसमें कुछ इंक्रोचमेंट रिमूव करना है, कुछ बाई लेन बनाना है और रिफ्लेक्टर्स और बढ़ाना है, साइनेजेस लगाना है, लोगों को ना जागरूक भी करना है उधर है ना गाड़ियाँ खड़े ना करें, जैसे रीवा आने के लिए बैकुंठ को जाने के लिए मोड पे लोग खड़े होते हैं उसको लेकर ना डायरेक्शन दिए हैं एंड CCTV कैमरास। और बहुत अच्छा कार्रवाई तो हुई है कि अभी फर्स्ट फेज में हमारी कितने भी ऑटोज है सिटी में 3,500 ऑटोओं को नंबरिंग हुई है, उनका रूट चार्ट है ना तय हुए हैं, सारे ऑटोज में रूट चार्ट चस्पा किए हैं, कुछ है ना 2-3% ऑटोज हैं इसको है ना नहीं माने उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। सेकंड फेज में सभी ऑटोज को है ना प्रशिक्षण प्रोग्राम है ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करेंगे, स्मॉलर नंबर्स पे सभी ऑटो ड्राइवर्स को बुलाया जाएगा, उनसे अपेक्षा क्या है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं करना है उसको लेकर RTO DSP ट्रैफिक और नगर निगम की टीम है उनका है ना प्रशिक्षित करने का है ना काम करेगा। उसके बाद है ना थर्ड फेज है, इस प्रकार का हम लोग है ना लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से ना काम कर रहे हैं। सगर के अंदर भी बहुत सारे कट्स हैं उसको बंद करने लेकर, जैसे यूनिवर्सिटी रोड पर तो काफ़ी कट्स बंद हुई है, उसके भी आज है ना मतलब किसी व्यक्ति ने उस कट को बनाने के बाद वापस है ना तोड़ दिया, उनके खिलाफ ना FIR दर्ज करने का निर्देश दिए हैं। पेट्रोल पंप है उनके खिलाफ ना कार्रवाई करने के लिए भी ना हमने निर्देश दिए हैं। चार पांच बैंक्स हैं, मतलब ना काफ़ी ट्रैफिक की ना लोड है ना ज़्यादा है, उसी के लेकर ये ना टीम बनाए हैं कि वहाँ है ना लोड है ना कैसे कम किया जाए। सो ट्रैफिक और नगर निगम की ना टीम है, वो हमको है ना उनसे साथ बैठ करके प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे उसका है ना क्या हो सकता है। सो जब है ना कोई पर्टिकुलर है ना बिल्डिंग का लोड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो फिर कहीं ना कहीं है ना इधर मतलब है ना उनको पार्किंग की व्यवस्था करना है ना उनकी जिम्मेदारी है, नहीं है तो मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस को है ना मतलब दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए सो दैट एक्चुअली वहाँ है ना
कमर्शियल है ना व्हीकल्स और लोगों के ना मूवमेंट पे दबाव कम हुए, उसको लेकर ना